हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है जानी खान और आप सभी के लेके आए हम एक एडिटिंग वीडियो जिसके अंदर मैं एक फ़ोटो को 3D इफेक्ट से एडिटिंग करूंगा। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए, इसके मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले हम पिक्सआर्ट खोलेंगे, उसके बाद हम फोटो चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड फ़ोटो चूज़ करेंगे बनाने के लिए। देख सकते हैं फ़ोटो बैकग्राउंड, मैंने ब्लर बैकग्राउंड फ़ोटो ले रखी है। उसके बाद ऐड फ़ोटो करेंगे हम अपनी फ़ोटो कटी हुई, एकदम एक कट होनी चाहिए फ़ोटो को। फ़ोटो कट आप सभी को करना आता होगा, एडिटिंग करते हैं आप तो। अगर तो फ़ोटो कट ले लीजिए आप, जैसे कि मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए आप इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ लगानी है। इसको प्रॉपर कटिंग करें तो आपकी बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन नहीं आती तो आपको सीखनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए क्लीनिंग करनी पड़ती है यहाँ से, ज़रूरी शार्पनेस आती है इस वीडियो से। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन वीडियो अच्छी बनती है, थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाती है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी में पिक बनती है। इसमें आपको ज़रूरी बात बताना तो मैं भूल गया, इसके लिए आपको फ़ोटो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, 3D इफेक्ट वाली फ़ोटो बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक तो पिक्सआर्ट है ही, दूसरी है लाइट रूम, फ़ोटोशॉप का ही है। उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करके रखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा उसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर से हम ऐड फ़ोटो पर जाएंगे, उसके बाद हम PNG लगाएंगे। देख सकते PNG लगा रहा हूँ मैं, अब मैं इस PNG को शेप में लेके आऊँगा थोड़ा एडजस्ट लगा करने के लिए। देख सकते हैं, ओ चलो चलो चलो, ठीक ठीक सही से लग जा, सीधा लग जाओ, लग गया। अब मैं फिर से ऐड फोटो पे जाऊँगा और हेयर लगाऊँगा मैं, हेयर PNG इस्तेमाल करूँगा मैं इसके अंदर। अब देख सकते हैं कि फ़ोटो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, और इसके बाद फ़ोटो की क्वालिटी देखना कितनी बढ़िया बन जाएगी। तो उसको मैं सही से बैठा दूँ एक मिनट PNG को, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा बड़ा करके कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बैठ गया, और अब मैं इसमें अच्छी तरीके से अपने बालों की शेप में ही इसको डिज़ाइन कर दूँगा या इसको इरेज कर दूँगा। थोड़ा यहाँ से भी ले लेते हैं, ये हल्का सा बस हो गया। अब इसको अब सेव करेंगे। अब जाकर हम ड्रॉ का एक आइकन आता है इधर, इसको देखो क्लिक करा मैंने अभी, उसके आगे सेव इमेज कर देंगे। इससे सेम इमेज हो गई है। अब आप गैलरी में जाएंगे अपनी, और जो भी आपका पैटर्न कोई लॉक लगा रखा, नहीं लगा रखा तो खोल लेना उसे। अब यहाँ से हम शेयर करेंगे लाइट रूम, जो मैंने ऐप आपको बताया था उसमें। ये देखिए एडिट हो चुकी है माँ की एल्बम में, उस ऐप की एल्बम में ऐड हो चुकी है ये फ़ोटो। यहाँ पे ऑल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो आ चुकी है हमारी। अब इसमें आपको घोर से देखने वाली बात यह है कि आप इसमें क्या क्या इसमें खोलना है। सबसे पहले आप इसमें लाइट खोलेंगे, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे जिससे फ़ोटो में इफ़ेक्ट अच्छी तरह आ जाए। थोड़ा सा इसको घटाते हैं, इसको अपने हिसाब से ही आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको कैसा रखना है, जैसे आपको सही लगे। वाइट बैलेंस को हम कॉस्टम पे करते हैं। अब देख सकते हैं आप, मैं इसको कुछ कर, देख सकते हैं कूल अच्छी लग रही है इमेज। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी है इमेज, ये तैयार हो गई है इमेज। अब हम इसको 3D डॉट पे जाके हम इसको सेव कर लेंगे।
नीचे आपको लिखा होगा सेव टू डिवाइस, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये हो गई सेव, सक्सेसफुली सेव हो चुकी है ये। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एक बार ये कैसी लग रही है, ये देख सकते हैं पिक्सआर्ट से बनी थी ऐसी, और अब लाइट रूम सीसी से बनी ऐसी, फ़ोटोशॉप का ही वर्ज़न है ये। इससे देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी क्वालिटी आई है फ़ोटो की, जो इसकी शर्ट का कलर और शर्ट का कलर में अब फर्क देखिए पूरा ही चेंज हो चुका है। बस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक्स टू वॉचिंग दोस्तों।